हेलो गाइज, यहाँ पर लव कटारे की गर्लफ्रेंड के बाद शिवानी ने यहाँ पर एलविस यादव के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जिसके बाद यहाँ पर एलविस यादव के फैंस भड़क चुके हैं शिवानी पर और कटारिया पर। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि कटारिया ने सरप्राइज विजिट किया था यहाँ पर शिवानी के पास, लेकिन जब शिवानी बिग बॉस के अंदर थी तो एलविस यादव ने ऐसी बातें बोली थी जो शिवानी के लिए बोला था कि भाई उनकी आवाज़ ऐसी है कि जो मेरे कानों में चुभती है, बहुत इरिटेटिंग आवाज़ है, बहुत ही ज़्यादा बोलती है, गाँव में ऐसा नहीं बोला जाता। तो इसी के ऊपर जब लव कटारिया गए थे शिवानी के पास तो वहां पर उन्होंने सॉरी बोला लव कटारिया ने, और लव कटारिया के साथ यहां पर लक्ष्य भी गए थे और लक्ष्य ने भी वहां पर क्या है उनसे सॉरी बोला। तो इसके बाद यहां पर क्या है शिवानी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था अपने ब्लॉग के अंदर, तो सबसे पहले जरा देखिए आप ये क्लिप। भैया के ये टीम के हैं, जब हम बिग बॉस के घर में आते तो ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई थी और एलविस भाई से भी गुस्सा आए हम, आप ना आते तो ना बंधवा अर्चित को ले आओ कमरे में दानते हैं। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। चलो लवकेश भैया की टीम ना हमें गलत बोलो तो लवकेश भैया तो हमारे साथ अंदर बहुत अच्छे से रहे हैं, हमें उनसे ही मतलब है। लक्ष्य अर्चित आए हैं, माफी तो मांग रहे दोनों लोग की, चलो माफ कर दो तो मेरे ऑडियंस के हाथ में है, वो जैसो समझे। मेरे घर पर तो सरप्राइज मिलो एकदम से आए गए हैं तो मेरे घर में तो सबको सम्मान है जो भी आए। ठीक है उनने जो अभी बोलो, अब वो गिल्ट फील कर रहे हैं हमने ऐसे नहीं बोलवो चाहिए, तो वही तो बात, इंसान को पहले जानो समझो तब उसके बाद बोलो। हमें ऐसा नेचर है, ऐसे रात है, ऐसे हम घर में भी रात है, ऐसे हम बाहर भी रहे, ऐसे हम बिग बॉस के घर में भी रहे, बनावटी हमारे अंदर कछु है नहीं है। बहुत अच्छो लोगो भैया आए, सरप्राइज मिलो, उनके संगे जो टीम आई थी उनकी लग चर्चित थोड़ो हम गुस्सा आते उनसे, लेकिन आए क्योंकि हमसे माफी आप ही मांग रहे थे कि सॉरी हम जान नहीं पाए आपके लिए गलत बोल दो हमने, हम तो कहा उसे गुस्सा होते ही नहीं, हमारी ऑडियंस पर छोड़ दो, ऑडियंस ना मेरा साथ दो तो जब बिग बॉस के घर में आते हमें सब ट्रॉल कर रहे थे, जब मेरी ऑडियंस ना उनका बोलो है तब शांत भाई थे, तो हमारे लिए तो ऑडियंस सबसे पहले है, बाद बाकी सब बाद में है। कटारिया भाई से हमारे अच्छे रिश्ते आते बिग बॉस में तो उनसे हमेशा अच्छे रिश्ता रहे हैं, जिनने मेरे लिए गलत बोलो तो थोड़ा समय खराब लगो कि ये ऐसा मेरे लिए बोल रहे थे। अबे आए उनने हमें जानो समझो फिर कहा सॉरी हमने आपके लिए बहुत गलत बोल दिया था, मैं ऐसा नहीं समझ पाया आप इतनी अच्छी हैं। तो आपने क्लिप तो देख लिया साथियों, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या शिवानी अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझती है या शिवानी बहुत सही है जो उन्होंने अपनी बात रखी, तो आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।